नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। गोरखपुर में बुधवार को सांसद रवि किशन शुक्ला गीता प्रेस पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस का निरीक्षण किया। सांसद ने गीता प्रेस के बारे में फैलाई गई अफवाहों का भी खंडन किया है। सांसद ने कहा कि यहां आकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। बचपन से ही घर में गीता प्रेस की प्रकाशित धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन होता रहा है और अभी भी हो रहा है। गीता प्रेस अपने आप में बहुत बड़ा है, कई हजार कर्मियों को रोजगार दे चुका है और उनके आर्थिक संकट को भी खत्म किया है। ऐसे में कुछ लोगों ने गलत अफवाहें फैलाई है, ये बंद होना चाहिए। आज यहाँ आकर ये देखने को मिला, ये बहुत सारे लोगों के लिए आय का स्रोत है। देश ही नहीं, विदेशों में भी यहाँ की पुस्तकें लोकप्रिय हैं। इन पुस्तकों से कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। फिरोजाबाद के टूंडला में एक एटीएम जंग का मैदान बन गया। पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम पर काम कर रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ एटीएम में कैश डालने आए युवकों ने जमकर मारपिटाई कर दी। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने घायल युवक का मेडिकल परीक्षण करवाकर मामले की जांच शुरू की है। एटीएम ठीक करने के लिए आया था, जिन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की और मेरे को जान से मारने की धमकी दी, जिससे मेरी आंख में काफी चोट आई है और गर्दन में भी चोट है मेरे। अपना पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम है एटा रोड टूंडला में, वहाँ की घटना है। वहाँ पर सीएमएस से कैश डालने के लिए आते हैं, अपना रवीश है एक बंदा और एक अपना गिरिराज, जो कैश डालने के लिए आए थे। मेरे को कार्य करने में थोड़ी देर लग गई, तो वो गाली गलौज मतलब जल्दी जल्दी करने लगे और गाली गलौज करने लगे। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। फिरोजाबाद के गांव में दो पक्षों में किसी बात को लेकर जमकर मारपिटाई हो गई। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बिना महिला कांस्टेबल के चार महिलाओं सहित पांच लोगों को गिरफ्तार कर थाने ले आई है। इन महिलाओं में एक महिला 8 महीने की गर्भवती थी। पुलिस ने हदें पार करते हुए गर्भवती महिला को 18 घंटे थाने में बिठा कर रखा। महिला थाने में दर्द से तड़प रही थी, लेकिन पुलिस को जरा भी दया नहीं आई। इस मामले में पुलिस ने गर्भवती महिला सहित पांचों लोगों के खिलाफ शांति भंग में कार्रवाई करते हुए सभी को अगले दिन उपजिलाधिकारी न्यायालय भेज दिया, जहां उपजिलाधिकारी ने सभी को जमानत पर रिहा कर दिया। वहीं पुलिस की कार्यशैली से नाराज ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। नाकी के परीक्षित गांव का ही पूरा मामला। मुजफ्फरनगर के खतौली कस्बे से घर से लापता नाबालिग को पुलिस ने चंद घंटों में ही ढूंढ निकाला है। नाबालिग घर से नाराज होकर निकला था, जिसके बाद से वो घर लौटकर नहीं आया था। पुलिस ने नाबालिग को दिल्ली से सकुशल ढूंढ लिया है और परिजनों को सौंप दिया है। बदायूं में पति ने पत्नी की लोहे की रॉड से पीट पीट कर हत्या कर दी। अवैध संबंधों के शक के चलते युवक ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी पति को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उझानी के अमीरगंज गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। श्रावस्ती के मॉडर्न थाना में प्रेम प्रसंग के चलते ग्रामीणों ने दो युवकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मौका पाकर एक युवक तो फरार हो गया, वहीं दूसरे युवक को ग्रामीणों ने जमकर पीटा और रस्सी से बांध दिया। सूचना पर पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों से सुलह समझौता कराकर दोनों युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया है। दोनों युवक बहराइच के रहने वाले हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ है। ललितपुर में पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से अलग अलग दिनों में गुम और चोरी हुए 51 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस ने 51 मोबाइल 2 महीने के भीतर बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक ने सर्विलांस टीम द्वारा बरामद किए गए सभी मोबाइलों को उनके मालिकों को पुलिस लाइन परिसर में प्रेस वार्ता के दौरान सौंप दिया। बरामद हुए 51 मोबाइल की कुल कीमत 5,300,000 रुपए बताई जा रही है। बलरामपुर के अतरौला से पुलिस ने 1 क्विंटल गांजा के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। युवक के पास से गांजे के सिवा एक देसी तमंचा, एक कारतूस, करीब 25,000 रुपए नकदी और एक कार और गांजा सेवन की अन्य सामग्री बरामद हुई है। थाना अतरौला पुलिस द्वारा एक बहुत अच्छी रिकवरी की गई है, जिसमें एक टाटा टियागो गाड़ी समेत हमें 1 क्विंटल 4 किलोग्राम ऑलमोस्ट गांजा रिकवर हुआ है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत अराउंड 40 लाख होगी। हमें 2 अभियुक्त मिले हैं, एक राम प्रकाश वर्मा है, दूसरे ओम प्रकाश वर्मा है। दोनों गोंडा के रहने वाले हैं। इनके साथ इनके और भी साथियों का पता लगा है और उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। इस पर गैंगस्टर की भी हम कार्रवाई करेंगे और गैंगस्टर करके इस पर इनकी वसूली, प्रॉपर्टी जब्तीकरण वगैरह भी हम कार्यक्रम करेंगे। फर्जी दारोगा बन धन उगाही कर रहे शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फर्जी दारोगा के कब्जे से एक चोरी की गई कार बरामद हुई है। पुलिस पूछताछ में उसने खुद को सेना से रिटायर्ड होने का दावा किया। आपको बता दें कि फर्जी दारोगा लोगों को रोककर उनसे मास्क न लगाने को लेकर 500 रुपए जुर्माना मांगा करता था। इस दौरान स्थानीय लोगों की सूचना से मौके पर पहुंची पुलिस ने फर्जी दारोगा को गिरफ्तार कर लिया है।
दिनांक 19/6/2021 को थाना भीतरी के अंतर्गत में राम गंगानगर चौकी है, वहाँ पर डोहरा रोड है, वहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा फर्जी दरोगा बनकर मास्क की चेकिंग की जा रही थी, जिसमें वहाँ पर वाहन स्वामी और दुकानदार से 500 रुपये वसूल किए जा रहे थे। जो स्थानीय लोग थे, दुकानदार थे, उनके द्वारा थाना भीतरी पर थाना पुलिस को सूचना दी गई कि इस तरीके की यहाँ पर कोई अवैध उगाही हो रही है। उस सूचना पर यकीन करते हुए पुलिस एवं अपने मुखर तंत्र के द्वारा काफ़ी अथक प्रयास किया गया और इस प्रयास के बाद आज उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।